Good morning everyone. Today we are going to continue with the chapter infrastructure, in which today we will study the indicators of health status. Now indicators of health status, हम कैसे देखेंगे health हमारे यहाँ की कैसे है? कुछ चीज़ों को तो हम अपने ध्यान में रखेंगे ना. तो जो health status के indicators हैं, पहला है fall in death rate. अगर हमारा death rate कम होता है तो हम कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ लोग अब healthy होने start हुए हैं. अब देखो, देयर इज़ अ रिमार्केबल डिक्लाइन इन द डेथ रेट फ्रॉम 27.4% पर थाउजेंड इन 1950 to 51 टू 7% पर थाउजेंड इन 2015 to 16. पहले 1000 लोगों की तुलना में लगभग 28 लोगों की मौत हो रही, 27.4%. क्योंकि पॉइंट में इसलिए ऐसा नहीं कि आधा आदमी मर रहा आधा जिंदा है, बट क्योंकि ऑन एन एवरेज हम लोग बात करते हैं. दीज आर लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन एज इट समटाइम्स गिव द लाफेबल कंक्लूजन्स. सो 28 हम लोग ले लेते हैं कि लगभग 28% जो है पर थाउजेंड वो मरते थे, लेकिन अभी जो है वो कम होकर 7 हो गया है. डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता क्या है कि अगर कोई बच्चा एक साल का होने से पहले ही मर जाता है तो वो है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इट रेफर्स टू द डेथ ऑफ इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज, हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 146 इन्फेंट्स पर थाउजेंड. 1950-51 में क्या था, 146 इन्फेंट्स मर जाते थे हज़ार बच्चों की तुलना में, लेकिन अभी वो कितना हो गया, 34. ये कौन से ईयर का है, ये अभी हम 2021 का डेटा नहीं बता रहे हैं, 15-16 का डेटा बता रहे हैं. राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की जो एज है वो बढ़ गई है. पहले थी 32.5 ईयर्स या 40 भी कह सकते हो, लेकिन अभी कितना हो गया है, 66.9. इसको आप कह सकते हो कि लगभग 67 कह सकते हो, ठीक है. ये मेल्स के लिए है, और फीमेल के लिए जो बढ़ के हो गई है वो 70 ईयर्स हो गई है लगभग, राइट. And now control of communicable diseases, जो communicable diseases होते एक से दूसरे को फैलते थे और जिनकी कोई इलाज भी नहीं था हमारे पास, तो उस पर भी इंडिया ने कंट्रोल पाया है. जैसे स्मॉल पॉक्स, 1977 में स्मॉल पॉक्स से हम लोग गेट रिड कर दिया था हम लोगों ने. मलेरिया, measures have to be taken to control malaria since independence, right. Number of malaria patients has reduced from 66.5 million to 10.7 lakh. लेप्रोसी, लेप्रोसी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया. 900 अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए और नियरली 780 लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट्स बनाए गए. ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को जो है वो भी कंट्रोल किया गया. 39 टीबी क्लिनिक्स हैव बीन फंक्शनिंग एंड अबाउट 1.6 लाख टीबी केसेस आर ट्रीटेड एवरी ईयर. एड्स जो है उस पर भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने कंट्रोल किया है, उस पर अभी भी हमारा काम चल रहा है. अंडर नेशनल एड्स प्रोग्राम 4000 प्लस ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स हैव बीन सेटअप बाय 2007, राइट. उसके बाद हमारा आ जाता है, मेजर्स हैव टू बी अंडरटेकन टू कंट्रोल डिजीज लाइक कॉलरा, लिवर इन्फेक्शंस, पोलियो, रैबीज, व्हूपिंग कफ, इन सब के लिए मेजर्स जो हैं लिए जा रहे हैं. और ये सारी चीज़ें जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं उनको इस टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है. यहाँ लेकिन टेबल के अंदर क्या है, जो भी चीज़ें कंपैरेटिवली बता रखा है कि इंडिया में कितना है, चाइना के अंदर कितना है, यूएसए में और श्रीलंका में कितना कितना है, राइट. ये ऊपर एक लाइन है, मैं उसे पढ़ देती हूँ, बेटर होगा अगर आप लोग लिख लेंगे तो. माल न्यूट्रिशन एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स लेड टू द डेथ ऑफ 2.2 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर. हर साल लगभग 2.2 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो माल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स की वजह से मर जाते हैं. एट प्रेजेंट लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज. 20% से कम लोग जो हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हैं. वन स्टडी हैज़ पॉइंटेड आउट दैट ओनली 38% ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड ओनली 30% ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तो बन गए लेकिन वहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, प्लस वहाँ पर जो है सफिशिएंट मेडिसिन का भी जो स्टॉक है वो सिर्फ 30% है. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू स्टडी. नाउ देखो, देर इज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ सेक्टर. अब गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना ही चाहिए, राइट. टेबल में ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है कितना हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंट ऑफ GDP कितना है, 4.7. अभी वो 3.9 भी है, तो 4.7 के हिसाब से हम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं, तो टोटल GDP का 4.7% हम लोग लगाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ ये बहुत कम है. इंडिया हैज़ अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट इट बियर्स द फ्राइटनिंग 20% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या है,
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ ये है कि नंबर ऑफ पीपल जो है अपनी एज से पहले ही मर जाते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से, राइट, या अपने कितने साल उन्होंने डिसेबिलिटी में निकाल दिए उस डिजीज़ की वजह से। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। ग्लोबल बर्डन इज़ एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गॉज द नंबर ऑफ पीपल, एक इंडिकेटर है, एक मेजर है जिससे हम लोग देखते हैं कि टू गॉज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट बाय them in the state of disability owing to the disease, उस disease की वजह से कितने साल उन्होंने disability में निकाले। तो इंडिया के अंदर क्या है, मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इज अकाउंटेड फॉर बाय कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। हर साल लगभग 5 लाख बच्चे मर जाते हैं वाटरबॉर्न डिजीज की वजह से, और जो एड्स का खतरा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारे हेल्थ का स्टेटस है, और कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट की हमें नीड है कि गवर्नमेंट जो है और हमारे हेल्थ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। आगे हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप इसे पढ़िए, समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।